बांग्लादेश के बैटिंग में, बांग्लादेश के क्रिकेट में मुझे दो चीजें नजर आ रही है, एक आजादी नजर आ रही है मुझे और एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है मुझे। जब बल्लेबाज खेलने जाते हैं, महमूदुल्लाह की बैटिंग देखिए, 7-8 नंबर पे स्लॉगर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे, उनको ऊपर भेजा कैसी बैटिंग कर रहे हैं, सौम्य सरकार को ऊपर भेजा, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया गया उनको, वो अच्छा खेल रहे हैं। और उस वजह से जो प्रेशर होता है मुशफिकुर रहीम पे, शाकिब अल हसन पे, वो निकल गया है, तो वो भी ज्यादा खुल के खेल रहे हैं। तो एक जो बल्लेबाजी दो लोगों तक सीमित थी, अब लग रहा है 4-5 बल्लेबाज है। नासिर हुसैन बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं आखिर में, और जब रन बनते हैं उनके तो दूसरी बात नजर आती है, और वो ये कि सीम बॉलिंग अच्छी है। इस मैच में मशरफ मुर्तजा नहीं खेले, इंडिया के खिलाफ खेलेंगे जरूर, तो तीन अच्छे सीम बॉलर होने से बहुत फर्क होता है। जो उनका स्कोर था 288 का, वो शायद 15-20 रन ज्यादा था जो उम्मीद थी उनसे, लेकिन 15-20 रन कम था जो जरूरी था उस मैच में, और बड़े आसानी से चेज कर गए। और न्यूजीलैंड के लिहाज से देखा जाए तो मार्टिन गप्टिल का दोबारा फॉर्म में आना बड़ा अच्छा है, लेकिन उनके आखिरी ओवर में बड़ी मजेदार बैटिंग की उन्होंने, एक दो से जीतने का मौका आया था, लेकिन या तो 4 या तो 6 या तो विकेट, और उस वजह से दिलचस्पी आ गई उस मैच में। लेकिन बड़ा अच्छा मैच, और इन हालात में ज्यादा अच्छी टीम जीती।